नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट रिधि बहल। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूं, उसको लेके मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई हैं। बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन किया है और वो है रिकवरी ऑफ पेमेंट्स, कि जी काम तो सही चल रहा है, काम भी आ रहा है, पर पेमेंट्स की जो है मुझे रिकवरी नहीं हो रही है, पैसा जो है बहुत अटक अटक के आ रहा है, तो इसके लिए क्या करें। तो जो रिकवरी का जोन है, पेमेंट रिकवरी का जोन है, वो है साउथ ईस्ट जोन। तो ये देखिए कि साउथ ईस्ट जोन जो है वो आपका बैलेंस होना चाहिए। अगर साउथ ईस्ट जोन बैलेंस है तो पेमेंट की प्रॉब्लम, रिकवरी की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। तो साउथ ईस्ट जोन जो है वो फायर एलिमेंट है, वो फायर जोन है। तो देखिए वहाँ पे जो है कोई एंटी एलिमेंट एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, मतलब वहाँ पे कोई पानी या वाटर बॉडी या वाटर ऑब्जेक्ट तो नहीं पड़ा हुआ है, या ब्लू कलर जो कि रिप्रेजेंट करता है पानी को, ब्लू कलर तो वहाँ पे नहीं है। अगर ऐसा है तो पेमेंट रिकवरी में ज़रूर प्रॉब्लम आएगी। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करिए, जैसे मैंने कहा कि इट इज़ अ फायर जोन, तो वहाँ पे जो है रेड कलर होना चाहिए। रेड कलर के ऑब्जेक्ट्स, रेड हुआ, रेड की फैमिली जैसे पिंक हुआ या मरून हुआ या पर्पल हुआ, ऐसी कलर की चीज़ें जो है आप वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रखें। वहाँ पे आप जो है एक टिलाइट जला सकते हैं, जिसमें आप कपूर जला सकते हैं, आप कैंडल जला सकते हैं वहाँ पे, या आप वहाँ पे एक रेड बल्ब लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप इस जोन को बैलेंस करेंगे। अब पेमेंट रिकवरी तो मेरी हो रही है पर पैसा नहीं टिक रहा है। जितनी जल्दी पैसा आ रहा है उससे जल्दी जो है पैसा जा रहा है। अब इसके लिए क्या करें, तो वेस्ट इज द जोन फॉर प्रॉफिटेबिलिटी। वेस्ट जोन जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी का जोन है, कि पैसा मेरे पास जो आ रहा है वो मेरे पास टिके भी। तो वेस्ट जोन का जो कलर है वो वाइट है। वहाँ पे जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा वाइट या ऑफ वाइट कलर यूज़ करें। कोशिश करें कि इस जोन में रेड या ग्रीन कलर की चीज़ें, जैसे प्लांटर्स हुए या कोई और रेड कलर की चीज़ या कोई और फायर एलिमेंट जो है वो इस जोन में आप यूज़ ना करें, तो इससे जो है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। सो फॉलो दीज टिप्स एंड इट विल हेल्प यू आई एम श्योर इन रिकवरिंग मनी एंड ऑल्सो इन प्रॉफिटेबिलिटी। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। Till then, please take care.